वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी स्पेशल में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, जिसमें हमने कई सारे घराने देखे और देखा कि उससे संबंधित कलाकार कौन कौन से। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, देखेंगे कि कलाकार और उनका संगीत घराना कौन कौन सा संगीत घराना और किस क्षेत्र के हैं, मतलब कि कौन से वो किस क्षेत्र में है, या तो गजल गाते हैं, पखावज वादक हैं, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये चीज़ देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसलिए याद कीजिएगा। इस टॉपिक में कुछ समझने वाला नहीं है, सीधा सीधा याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और याद ना हो तो आप बार बार रिवाइज करें इसको, एक से दो बार वीडियो को देखेंगे और फिर अपने नोट्स जो बनाए उनको रिवीजन करें बार बार, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। याद करना ज़रूरी है, देखिए याद से आप करने से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि याद करेंगे तभी आप चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे एग्ज़ाम में, इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ घराने की। लखनऊ घराने से संबंधित जो कलाकार हैं वो हैं बेगम अख्तर, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद और बिरजू महाराज, इसके अलावा शंभू महाराज, सादिल अली और लच्छू महाराज, ये सब लखनऊ घराने के हैं। अब इनका क्षेत्र देख लीजिए। बेगम अख्तर अभी अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा, देखिए यहीं दिया गया है। क्या करती हैं ये ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका हैं, गजल गायिका भी हैं, ठीक है, गजल गाती थी ये। और पंडित सखाराम ये पखावज वादक हैं, पंडित अयोध्या प्रसाद ये भी पखावज वादक हैं, बिरजू महाराज जिनसे प्रश्न बना है कथक नृत्य के से संबंधित हैं, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज दोनों का नाम याद रखें, कथक से संबंधित हैं, इनसे प्रश्न बना है बिरजू और लच्छू महाराज से। शंभू महाराज का संबंध भी कथक नृत्य से है और सादिल अली ये सारंगी वादक हैं, सा से सादिल और सा से सारंगी याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला घराना है बनारस घराना। तो बनारस घराने से संबंधित है पंडित रविशंकर, छोटी मैना, बड़ी मैना, पागल दास, मुश्ताक अली खां, रसूलन बाई, गिरजा देवी और नलिनी कमिलिनी, ये सब बनारस घराने के हैं। पंडित रविशंकर का क्षेत्र है सितार बजाती हैं, छोटी मैना, बड़ी मैना ठुमरी टप्पा गायिकाएं हैं, इसके साथ ही रसूलन बाई, गिरजा देवी ये सब भी ठुमरी गायिकाएं हैं। पागल दास पखावज वादक हैं और इनका नाम याद रखें नलिनी कमिली, ये किसकी हैं, ये कत्थक नृत्य से संबंधित रखती हैं, और मुश्ताक अली खां सितार वादक है, ठीक है ना। अगला घराना है किराना घराना, इनका नाम याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है, भीमसेन जोशी, इनके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है, ख्याल गायकी से संबंधित है, और गंगूबाई हंगल ये ख्याल गायिका से संबंधित है। प्रयाग घराना है और इससे संबंधित कलाकार है हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी वादक, बहुत सारे अलग अलग स्टेट पीसीएस ने इनसे प्रश्न बनाया है। जानकीबाई छप्पन छोरी इनको कहते हैं, ये भी गायिकाएँ हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ घराने और उनसे संबंधित जो कलाकार हैं वो देखें। इसके बाद संगीत कला, संगीत कला में हम देखने वाले हैं सबसे पहले लोकगीत, और लोकगीत कौन सा लोकगीत किस क्षेत्र का है ये देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ठिमरियाई, ठिमरियाई एक लोकगीत है और इस पर नृत्य भी किया जाता है कई क्षेत्रों में, चंगोलिया, कुहाई, आल्हा उदल सुने होंगे आपने, वीरता के गीत होते हैं, राछरा और दिवारी, दिवाली के समय ये नृत्य किया जाता है, हरदौल, पंबारा, ईशुरी फाग ये प्रसिद्ध कवि हैं यहाँ के बुंदेलखंड के, और तकरार गीत, और इसके अलावा भी कब्बाली, ये सब बुंदेलखंड के हैं, कब्बाली से प्रश्न ऐसे पूछा है कहीं तो बनने एग्जाम में, तो ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं, बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों के भाग आ जाते हैं। बिरहा सामान्यतः पूरे प्रदेश में और विशेष तौर पर पूर्वांचल क्षेत्र का लोकगीत है। भजन पूरन भगत, निर्गुण और पचरा और भ्रथरी ये सब भक्तों और साधुओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। झूला गीत, होरी गीत, रशिया, बम रशिया, ब्रज मल्हार, पटका और समाज गायन ये सब ब्रज क्षेत्र के। अब ब्रज क्षेत्र में मथुरा वृंदावन वगैरह आते हैं और यहाँ की होली तो विश्व प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जो क्षेत्र हैं जैसे कि होरी गीत है यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, ब्रज क्षेत्र के ही है। रागिनी, ढोला, स्वांग, लावणी और गुजरी ये पश्चिमी क्षेत्र के गीत है। लावणी से प्रश्न बन सकता है और बेहतर बीन ये रोहिलखंड के हैं। हरदौल पंबारा, ईश्वरी फाग ये सब कहाँ के हैं। हरदौल का मंदिर भी बुंदेलखंड ओरछा में ही है और ओरछा के बुंदेलखंड में ही आता है ओरछा, यहीं पर ईश्वरी की फागें गाई जाती हैं, पंबारा भी यहीं पर है। झूला, होरी, फाग, लंगुरिया और रशिया ब्रज क्षेत्र का है। बिरहा सामान्यतः पूरे प्रदेश, ये फिर से रिपीट हो गया है, पूर्वांचल का है।
इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला दिया गया बधाई। बधाई से प्रश्न बना है सावनी, फाग झूला, पचरा, कजरी। कजरी से प्रश्न पूछ सकते हैं। सोहर संस्कार, ये प्रश्न आ चुका है। कब्बाली, ये सब अवध क्षेत्र के हैं। और यहाँ पर देखो पूर्वांचल आपको यहाँ मिला था, बुंदेलखंड में भी कब्बाली है। तो कुछ मतलब इसके अलावा कुछ है जो लगा हुआ क्षेत्र है अवध से, वहाँ पर कब्बाली प्रसिद्ध होगा, बाकी मुख्य तौर पर यह अवध में मिलेगा। कजरी का विशेष क्षेत्र मिर्जापुर वाराणसी है। कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी कहरवा, सुहानी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, चैती, चैता, होली, दादरा, कब्बाली, सोहर और बधाई गीत पूर्वांचल के हैं। अब जो यूपीएससी वगैरह है या फिर अदर स्टेट पीसीएस, उसमें सीधे पूछते हैं कि किस क्षेत्र का है, तो उत्तर प्रदेश मिल जाएगा आपको सीधा। यहाँ पर पूर्वांचल, यहाँ पर स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश के जो संदर्भ में उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं उन्हीं में पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र का है। तो ये भौगोलिक दृष्टिकोण से फिर क्षेत्रों को बांट दिया गया है, तो ये यहाँ पर चीज़ें याद रखें। अब अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के कुछ पारंपरिक त्यौहार, मेले और महोत्सव, इसको देखते हैं। जैसे कि कुंभ का मेला है, ये वार्षिक माघ मेला होता है प्रयागराज में, जिसको पुराना नाम इलाहाबाद था। तीन नदियों का संगम है यहाँ पर, यहीं पर लगाया जाता है प्रयागराज में। आगरा में लगता है कैलाश मेला, राम बारात मेला, गंगौर मेला, पशु मेला, बटेश्वर मेला से प्रश्न आ चुका है। और ताज महोत्सव यहाँ बनता है, ताजमहल के पास ताज महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद ब्रज मथुरा और नंदगांव में लठमार होली होती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और मटकी लीला, यहाँ इस समय मेला लगता है, महोत्सव है यहाँ के। मेरठ नौचंदी मेला लगता है। गढ़मुक्तेश्वर में गढ़ गंगा मेला लगता है। चित्रकूट में रामायण मेला लगता है। वाराणसी में देव दीपावली और नकटैया और गंगा महोत्सव, ये यहाँ के प्रसिद्ध महोत्सव है। झांसी में आयुर्वेद झांसी महोत्सव का आयोजन होता है। अयोध्या में श्रवण झूला मेला और रामनवमी मेला लगता है। अम्बेडकर नगर में गोविंद साहब मेला लगता है और किछौछा मेला लगता है, किछौछा शरीफ जो है ये यहाँ पर मनाया जाता है। बाराबंकी देव मेला और देवा शरीफ। इसके बाद गोरखपुर में लगता है तरकुल्हा मेला, मकर संक्रांति खिचड़ी मेला भी यहीं पर लगता है। कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी और संकेशा, यहाँ पर बुद्ध मेला लगता है, क्या बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, मेले, महोत्सव। इसके बाद अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, आज की वीडियो में इतना ही। तो यहाँ पर हमने तीन टॉपिक पढ़े, आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ने के लिए नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर 50% का डिस्काउंट अभी भी मिल रहा है, 31 मई तक ये वैलिड रहेगा। 31 मई के बाद आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 50% का डिस्काउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसमें काफ़ी मिनिमम प्राइस में आप हमारे कोर्सेज पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। ये फैसिलिटी, ये बेनिफिट सिर्फ ऐप के कोर्सेज पर है, तो एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर डिस्काउंट लेना है तो कूपन कोड लगाना है ज्ञान सर में आपको बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है, सारे लेटर स्मॉल रखने हैं इसी प्रकार से, तो आपका कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। तुरंत जाकर देख लीजिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, इसी साल सिलेक्शन पक्का कीजिए। जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।